अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। देश में बैंकों के निजीकरण के विरोध में 9 लाख बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं। बैंकों के निजीकरण का विरोध जताते हुए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला। दरअसल बैंकों के निजीकरण के खिलाफ जहां हिसार लघु सचिवालय तक बैंक कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन निकाला, तो वहीं अंबाला और कैथल में भी बैंक कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जबकि फतेहाबाद में बैंक कर्मचारियों ने बैंक के बाहर नारेबाजी की, वहीं बैंक बंद होने से बैंक ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अब बैंक सोमवार को खुलेंगे। को देश भर में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हड़ताल है। इसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदन में इस सेशन में, शीतकालीन सेशन में, सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाने जा रही है, जिससे बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। ये देश है और देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। सर, ये हड़ताल इसलिए की गई है, जो केंद्र सरकार लोकसभा में एक बिल जा रही है, बैंक अमेंडमेंट बिल, जिसका जिसका मकसद है कि बैंकों का निजीकरण करना। ये हमारी हड़ताल निजीकरण के खिलाफ की गई है और इसे निजीकरण से केवल एक बैंकर के हित ही प्रभावित नहीं होंगे, इसे आम जनता पर भी असर पड़ेगा। सरकार सार्वजनिक बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने की बिल लेके आ रही है, उसका हम सारे बैंकर विरोध करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत जैसे देश में प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। जहां दूर दराज दूर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पे लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, वहां तक बैंकिंग व्यवस्था केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही पहुंचा सकते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक बिना लाभ के जगह पे जाने को राजी नहीं होते। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज बैंक कर्मचारी सड़कों पर दिखाई दिए अपनी मांगों को लेकर, किस तरीके की तस्वीरें हिसार में नजर आई? देखिए अनु, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में जिस प्रकार से आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी बैंक कर्मचारियों की, उसका सीधा असर हिसार में देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में हिसार में भी कर्मचारी सड़कों पर उतरे। 250 के करीब यहां पर पूरे जिला हिसार में शाखाएं हैं जिनको लेकर के आज कर्मचारी सड़कों पे थे। और हमारे साथ इस वक्त सचिव भी है यूनियन के, जो सज्जन, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपकी जो आज हड़ताल थी उसका क्या मोटो था? मौजूदा सत्र में, संसद सत्र में सरकार जो है बैंकों को, सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए एक बिल लेके आ रही है। आज देश भर के सारे सरकारी बैंक कर्मचारी इन्हीं चीजों को लेकर के 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। तो मुख्य मांगे क्या है आप? यही है कि मौजूदा सत्र में जो प्राइवेट जो बिल है बैंकों को करने का, वो बिल्कुल भी पारित नहीं किया जाए, ताकि जो है क्या है, इस सरकार में जितनी भी सरकार की जो सरकार दम भरती है कि हमने जो है आम पब्लिक को जितनी भी सुविधाएं दी है, चाहे वो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना की बात हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा की बात हो, या अटल पेंशन योजना है, जितनी भी अन्य स्कीम है जिसमें स्ट्रीट वेंडर की बात करते हैं, पशु किसान कार्ड की बात करते हैं हम, तो ये सारी स्कीमें मैक्सिमम सरकारी बैंकों के, पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा ही जो है आम जन तक पहुंचाई जाती है। ये हम ही बैंक हैं जो सरकार को जो है टाइम टू टाइम अपना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर करके देते हैं। बावजूद इसके सरकार जो है कि पिछले कुछ एक सालों में देखेंगे, कोई भी साल ऐसा वर्ष नहीं रहा ऐसा जब कोई ना कोई प्राइवेट बैंक जो है आम जनता के पैसों को चूना लगा करके या उनको जो है उनके पैसों के साथ ठगी करता रहा है, और सरकारी बैंकों ने फिर उस बैंक को संभालने का काम किया। अब देखेंगे कि यस बैंक रहा हो, ICICI बैंक रहा हो, या महाराष्ट्र जो बैंक रहा हो, इन सभी बैंकों में जो है पब्लिक का पैसा लंबे टाइम तक फंसा रहा और पब्लिक जो है अपनी आम जरूरतों के लिए भी अपने पैसे निकालने को भी परेशान रही। सज्जन जी, 2 दिन की हड़ताल है, वीरवार शुक्रवार, शनिवार और को बैंक बंद रहते हैं, आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान रही। आम ये जो दोनों दिन की जो हड़ताल है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो आम जनता को ही जागरूक करने का भी है कि सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे प्राइवेट की जा रही है, और इस प्राइवेटाइजेशन का आम जन पे ही ज्यादा असर पड़ेगा। हम जो जितने भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी हैं, 2 दिन के जो है पैसा कटवा करके आम जनता के लिए ही मैदान में है, हड़ताल पे हैं कि उनको उनकी सुविधाएं वक्त पे मिले, उनका जो है पैसा जो है किसी प्राइवेट जो है संस्थानों के हाथ में जा करके वो पैसा उनका खराब ना हो।
देखिए अनु, जिनको बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कर्मचारियों का कि दो दिन की जो हड़ताल है वो एक बार संकेतिक है, लेकिन इससे आगे भी हड़ताल बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अनु बात करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी है वो आम जनता को हुई है। दो दिन की हड़ताल थी, दो दिन और छुट्टी है, और अब चार दिन बाद बैंक खुलेंगे। दो दिन हड़ताल है, दो दिन में वीकेंड होने की वजह से बैंक बंद रहते हैं, ऐसे में बहुत होने की वजह से बैंक बंद रहते हैं, ऐसे में बहुत आमजन को इसमें देखा जा सकता है कि वो प्रभावित होगी, लेकिन कहीं कहीं एक ही सुविधा से लोग लेन देन कर सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं पिछले तस्वीरों में कि बैंक जरूर बंद है, लेकिन एटीएम यहां पर रखे गए हैं। और जिस प्रकार से अभी सचिव जो यूनियन के हैं सज्जन, वो बता रहे थे कि जो बैंक हैं वो दो दिन की हड़ताल पर जरूर रहेंगे, लेकिन काफी मात्रा में जो पहले एक पैसा डिपॉजिट किया जाता था या रखा जाता था एटीएम में, उससे कहीं ज्यादा दो गुना या तीन गुना पैसा आजकल एटीएम में रखा गया है, ताकि लोगों को दो तीन दिन तक जो दो दिन हड़ताल चले या वीकेंड हो उसमें ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से दो दिनों की बैंक हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी।